इस साल की सैफरान की पैदावार कम ही होगी क्योंकि इस साल तो बारिश ही नहीं हुई है। जिस टाइम इसको बारिश पड़नी चाहिए थी वो होता है जुलाई और अगस्त में, तो अगस्त में एक बार ही पड़ी है बस, उसके बाद तो बारिश का नाम ही निशानी नहीं हुआ। बारिश टाइम से नहीं आई है। मोरवर जो इरिगेशन या जो सैफरान मिशन के तहत बनाया गया था वो टोटली फेल हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बना दिए ट्यूबवेल्स बना दिए, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं है, तो जिसकी वजह से ये सैफरान का पैदावार धीरे धीरे कम ही होता है, कम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, मोस्टली कम ही होता है। और लोग भी अब पक चुके हैं, लोग भी सोच रहे हैं यार इस साल इतना मेहनत करने के बाद भी जब उनका जो लेबर खर्चा होगा वो नहीं आएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी नहीं करेंगे। पिछले 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। पिछले साल थोड़ा सा बारिश अच्छी हुई थी तो उम्मीद जाग गई थी लोगों के अंदर कि शायद अगले साल अच्छा फसल निकलेगा, लेकिन इस बार अल्लाह की मार है, बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से फिर कम हो गया। पहले इससे तो करीबन करीबन 50% ज़्यादा ही था, जो अभी का है उससे 50% ज़्यादा फसल था। इस साल सैफरान बहुत कम है। ये जो ट्यूबवेल खोदे इन्होंने अच्छी तरीके से काम नहीं किया है, इसका पाइपें सब बिखर रहे हैं, किसी जगह पे लगाया नहीं इन्होंने, इसीलिए इस साल बहुत कम फूल निकले हैं। बीज की वजह से पानी भी इसमें नहीं पहुंचा है। इसमें क्या करें, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि पानी होना चाहिए, इसमें कैनाल सिस्टम होना चाहिए या इरीगेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए अच्छे से, फिर ये बच जाएगा। इसको टाइम पे बारिश ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इरिगेशन का जो सिस्टम बनाया था ना, इसको भी नहीं चलाया है। पता नहीं उनको क्या वजह हुई, उन्हें क्यों नहीं चलाया, लेकिन यहाँ पूरा ये बिछाया था जाल इसका, ये पाइपों का तो करना चाहिए था, ये पानी देना था सितंबर में उनको, तो उन्होंने नहीं दिया है। लास्ट में इस साल इनका नया कोई कमिश्नर आया हुआ है वहाँ पर, तो उसने भी फाइलें देखी थी अभी रिसेंटली अक्टूबर में, फिर उन्होंने पूछा है कि ये फाइलें इतनी बेकार क्यों हुई हैं, ऐसे इसमें तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत पानी दिया है लोगों को दिखाने के लिए, असल में तो कुछ हुआ ही नहीं है ऑन ग्राउंड। लोग कह रहे हैं वो those will be not, they will not be associated with the farming. I contest it. How much kuch figure hai aapke paas? It is for the time being what we have calculated is 5 kgs per hectare yield aa raha hai. Wo kitna zyada hai pichle? Last time it's almost 20% excess. Okay. We had a wonderful snowfall last year, and a rainfall in the month of August. It has made it something. You go and you check it yourself. She just have in Jammu Kashmir and already visited the area, and she has already just got the clue from these farmers, interacted with them. It's not somebody when on the roadside will talk about it. It's not that saffron. Saffron is a farming who will be directly associated with the farming. So are you saying that this time, this year we have? This is a record-breaking year. Okay. Record-breaking year this year would be, okay. And Almighty's blessings have been. This year we have been also able to give irrigation to almost 30% of the area, sprinkler system. But still 66% is yet to go. It is to complete. It's only because के flowering season में हम irrigation नहीं दे पाते हैं, and the farmer will not allow us to venture in their fields because कि they otherwise it has an effect and it causing injury to our flora there. But so yes, 12 साल से मतलब exactly yes very very true. 12 साल से नहीं, it's almost 8 years. 8 years से ये इरिगेशन का मसला है। आपको तो पता है 2014 का फ्लड्स भी है, 2016 भी आपको याद ही होगा, 2018 भी आपको याद ही होगा। आई शुड नॉट मेक मेंशन ऑफ इट, दिस इज थ्री क्रिटिकल ईयर्स, बट स्टिल 100% पाइप्स, मेन पाइप्स एंड सब मेन्स हैव बीन ऑलरेडी लेड। इट इज
How many borewells have been functional? It's 124 have been constructed. Okay. Out of which 55 are fully and 100% functional. What about rest? Rest will be completed by the end of this financial year, because this time we will not be able to move in the farmer's field because they will not allow us to do it. It will be a suicide and a death to the flora. बोरवेल खोदे गए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ भी बोरवेल लगाए गए हैं वहाँ इरिगेशन देते हैं. जिन जिन लोगों ने इरिगेशन दिया है आप देख लीजिए वहाँ इम्पैक्ट. अब आप ये भी देखेंगे साइड बाय साइड कोइंसिडेंस, उसमें अगर आप देखेंगे कहीं फील्ड में इरिगेशन नहीं है, राइट? तो पिछले दो साल से जो हमारा अच्छा जो मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ है, बर्फ राइट टाइम हुआ है तो अर्ली भी हुआ था, उससे क्या हुआ कि हमारे कॉर्म्स बच गए. और जहाँ पे हेल्दी सॉइल थी, हेल्दी सॉइल होने के कारण अगर आप देखेंगे कई फील्ड में वहाँ पे ऑलरेडी बड़े कॉर्म्स थे, उन्होंने फ्लावर अच्छे दे दिए. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनमें मॉइस्चर नहीं होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए फ्लावर बेयरिंग नहीं रहेंगे. तो उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए कि उसमें इरिगेशन होना चाहिए ताकि मॉइस्चर होना चाहिए. मॉइस्चर अगर ना हो उनके रूट डेड हो जाएंगे, वो उतने ही छोटे छोटे कॉर्मलेट्स देंगे, डॉटर कॉर्म्स देंगे, तो उसमें कहाँ फिर फ्लावरिंग होगी नेक्स्ट ईयर. फिर कहेंगे पिछले साल था इस साल नहीं है. तो वही हमें उसके लिए आप इनको चाहिए कि वो जो इसके माहिरें हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए. वो डोर टू डोर भी जाते हैं और हर जगह ऑफिस भी हैं, और किसान को चाहिए जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से उनसे बात करें कि हमारे ज़मीन में ये प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हैं, वो करना चाहिए. जैसे कि हम किसी मतलब कोई बिज़नेस करें उसमें पैसे डालेंगे, अगर हम 10 लाख या 20 लाख रुपए किसी इन्वेस्टमेंट में करेंगे तो कम से कम साल का तो 3-4 लाख तो वो देगा ही वापस रिटर्न. वही इसका है, अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा 10-20 लाख का है, उसको आपको 1 लाख रुपया भी ना आए तो इंटरेस्ट कहाँ से रहेगा? लोग चाहते हैं कि यार इसके अल्टरनेट कोई दूसरा बिज़नेस करे, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई कुछ करता है. गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रॉब्ली जो भी वो स्कीम लाते हैं इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए. मोर ओवर करप्शन बहुत है.